来たら殺すと言ったよな。来たな。ओके तो थंबनेल और टाइटल तुमने पढ़ लिया, तुम सबको पता चल गया होगा किस पे बात होने वाला है ऑब्वियसली यार। और जो मैंने लिखा है ना टाइटल एंड थंबनेल में, वैसे थंबनेल में तो मैंने नहीं लिखा, जिसने थंबनेल बनाया उसने लिखा है। तो हाँ, वन पीस इस साल रूल करने वाली है। वैसे तो उसके मांगा का हर साल का है, लेकिन एनिमे का बात अलग ही है क्योंकि इस बार बहुत ही स्पेशल है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। वो 6 अगस्त को आने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ लूफी का गियर 5 निका को लेके। एंड देखो यार, मैं तुमको बताता हूँ कल क्या हुआ ना। मैं जैसे ही सो करके उठा, मेरा भाई मेरे को उठा के कहता है वन पीस का लाइव एक्शन का ट्रेलर आ गया, जो कि 3 मिनट का था। मैं मेरे भाई के फोन में देखा एंड उस पर हम बाद में बात करेंगे, इस वीडियो में नहीं, उस पर मैं अलग वीडियो बना के बात करूंगा, शायद वो वीडियो कल आएगा। कल मैं सोचा चलो इस पर बात कर लेंगे, लेकिन फिर भाई वन पीस में लूफी का जो गियर 5 है उसका 30 सेकंड का क्लिप आता है एंड इस पर मैं बात करूंगा आज। प्लस फिर दोपहर के आसपास मॉन्स्टर मांगा का एडेप्टेशन होने वाला है, वो खुद वन पीस का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वो ये बात को अनाउंस करता है। एंड इतने सारे वन पीस का अपडेट्स आ रहे थे, मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ तक कि मुझे एक और अपडेट मिला है, अब उस पर मैं 100% कन्फर्म नहीं हूँ। वो ये होने वाला है कि ओडा जो है लगातार 4 चैप्टर लाने वाले हैं। अभी जो ब्रेक होने वाला है 1 हफ्ते का, उसके बाद लगातार 4 चैप्टर आएंगे जिसमें वो पूरा एग हेड को ही फोकस करेंगे। अब देखो ये कितना सच है कितना झूठ है, इस पर मैं 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता, बिकॉज वो मैंने इंस्टाग्राम पे पढ़ा था और मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं उसके ऊपर रिसर्च कर सकूं। लेकिन अगर कुछ और डिटेल में पता चलता है तो मैं खबर दे दूंगा। तो ये सारी चीज़ें कल ही हुई एंड मैं कंफ्यूज हो गया किस पर बात करूं। और देखो लास्ट में मैंने ना डिसाइड किया, कल तो संडे है, संडे के दिन आएगा एपिसोड 1070, उस पर भी बात कर लेंगे, प्लस ये सारी चीज़ों को लेकर के भी बात कर लेंगे। मैंने ये सोच करके जाने दिया। और हाँ, कल मौसम थोड़ा ख़राब था मेरे इधर और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो लाइट आना जाना कर रहा था, तो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आता ही आता, तो ये सारी चीज़ें भी मुझे फेस करनी पड़ती। तो इस वजह से मैंने बोला कि चलो यार संडे को कर लूँगा एपिसोड आएगा। बट आज जब सुबह सो करके उठता हूँ तो पता चलता है कि एपिसोड को डिले कर दिया है एंड उसको जो नेक्स्ट वीक रिलीज़ किया जाएगा। चलो बढ़िया है, नेक्स्ट वीक से लूफी का गियर 5 निका को लेकर हमें जानकारी मिल जाएगा, क्योंकि लूफी का ट्रांसफॉर्मेशन शायद उस एपिसोड में हल्का सा हमें दिखाया जा सकता है। तो एपिसोड वाली चीज़ को अब साइड ही कर देते हैं क्योंकि वो आया नहीं तो उस पर बात करके कोई फ़ायदा नहीं। आते वन पीस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ने जो डाला था लूफी का गियर 5 का 30 या 32 सेकंड का एक क्लिप डाला था एंड वहाँ पर लूफी वर्सेस काइडो का फाइट दिखाया जा रहा है। एंड उसको लेकर के जितने वन पीस के फैंस है ना, वो 90% फैंस नाराज है, बिकॉज इतने टाइम से निका का हाइप चल रहा था, इतने टाइम से इतना ज़्यादा निका निका लोग कर रहे थे और फिर जब वो निकल के आता है तो वो उतना उनको पसंद नहीं आया, वो एनिमेशन उस लेवल का उनको नहीं लगा। बिकॉज वन पीस वालों ने जोरो वर्सेस किंग में जो एनिमेशन दिया था लोग उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करके बैठे थे और इस वजह से जितने भी फैंस हैं 90%, बाकी 10% को फर्क नहीं पड़ता, उनको बस निका को देखना है। बिकॉज कुछ ऐसे भी हैं जो लोग सिर्फ हाइप की वजह से डायरेक्ट वन पीस का जो निका वाला वो एपिसोड देखेंगे, उससे पहले उनको वन पीस का कुछ नहीं पता, ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं एंड मुझे कल ही पता चला है। खैर, बैक टू द टॉपिक, इसको लेकर के फैंस के तो नाराजगी जाहिर है। अब देखो मैं तुमको बताता हूँ, एक्चुअली में तोई वालों ने तुम्हारे साथ खेला है। दरअसल क्या है, ये जो 30-32 सेकंड का जो क्लिप जो सामने निकल के आया ना, ये एपिसोड 1070 जो कि आज आने वाला था उसको डिले करके नेक्स्ट वीक के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। उस एपिसोड में टू बी कंटिन्यूड के बाद हमें दिखाया जाता एंड उसमें उस तरह का एनिमेशन है, जबकि जब गियर 5 आएगा ना तब वो एनिमेशन जोरो वर्सेस किंग को भी सरपास कर जाएगा, ऐसा मेरे को पूरा यकीन है। यहाँ पे तुम बोलोगे भाई वो तो 30 सेकंड क्लिप में वैसा दिखा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ना दिक्कत होता है, जो एनिमेट कर रहा है डायरेक्टर हर किसी का अलग अलग होता है। गियर 5 को एनिमेट जो 6 अगस्त को आने वाला है उसके लिए अलग डायरेक्टर उन्होंने हायर किया है। एपिसोड 1070 को जो डायरेक्टर कर रहे हैं ना, उन्होंने ही इस वाले एपिसोड को किया है एंड इसी वजह से तुम्हें टू बी कंटिन्यूड के बाद वो वाला क्लिप दिखाया जाना था, लेकिन तोई वालों ने उसको पहले ही रिलीज कर दिया थोड़ा हाइप क्रिएट करने के लिए। अब देखो यहाँ पर अगर तुमको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, सांजी वर्सेस क्वीन का फाइट याद है, जिसमें सांजी ने ब्लू फ्लेम्स दिखाए थे एंड क्वीन को फुटबॉल बना दिया था, उस एपिसोड में देखना टू बी कंटिन्यूड जो होता है उसके बाद
किंग वर्सेस जोरो का फाइट किस तरह से एनिमेशन में दिखाया जाता है, एकदम नॉर्मल सा था भाई। लेकिन जब किंग वर्सेस जोरो का फाइट आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो किस लेवल का एनिमेशन था भाई, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसने नाम दर्ज करवा दिया। तो यहां पर आता है एनिमेटर्स एंड डायरेक्टर्स के ऊपर, प्लस तोई वालों ने जो बजट दिया है उस एपिसोड को लेके उस पे भी डिपेंड करता है। तो ये वाला जो चीज था वो 1070 के बाद वो जो 30 सेकंड का जो क्लिप जो यार एक्स्ट्रा दिखाते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, वो चीज का वो प्रोमो था एंड वही चीज उन्होंने यूट्यूब पे डाल दिया एंड इसी वजह से हमें वो एनिमेशन क्वालिटी थोड़ा बेकार लगा। अभी भी अगर तुमको यकीन नहीं है तो एक काम करो, एपिसोड 1061 पे जाना, उसमें सांजी वर्सेस क्वीन का फाइट है, वो वाला फाइट वो पूरा स्किप करना एंड एंड में टू बी कंटिन्यूड जो आता है उसके बाद जो 30 सेकंड का होता है उसको जाके देखना, तुमको पूरा पता चल जाएगा। और फिर 1062 तुम देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब देखो, वन पीस के रूल करने की बात मुझे करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं एक और अनाउंसमेंट के ऊपर बात करना चाहूंगा, वो है मॉन्स्टर मांगा का एनिमेशन। देखो कल क्या हुआ, वन पीस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ने एक और 30-32 सेकंड का क्लिप डाला जहां पर उन्होंने बताया, ये कंफर्म किया कि वो लोग मॉन्स्टर मांगा को एनिमेट करने वाले हैं। यहां पर कुछ लोगों को लग सकता है कि मॉन्स्टर से उनका मतलब ये वाला मॉन्स्टर एनिमे का बात होगा, उसको दोबारा से री एनिमेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ उन्हें लग सकता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ओडा ने 1994 में एक वॉल्यूम सीरीज निकाला था जिसमें तीन लोगों की स्टोरी दिखाई गई थी, जिसमें से एक बंदा उस यूनिवर्स का जॉन विक टाइप बंदा था यार, उसकी एक कवर स्टोरी चल रही थी, दो वॉल्यूम के अंदर था शायद, मैंने उसको 1.5 साल पहले पढ़ा था तो मुझे एग्जैक्टली स्टोरी याद नहीं, लेकिन उसी की तरह आसपास का था, तो हो सकता है मैं इसको लेके गलत हूँ। एंड दूसरी जो थी वो मॉन्क के ऊपर स्टोरी थी और मॉन्क वाला भी मुझे फनी लगा था, बढ़िया था। एंड जो थर्ड स्टोरी थी यार वो कमाल की थी, बिकॉज उसमें द लेजेंडरी सामुराई रियोमा की कवर स्टोरी थी एंड ये 4 वॉल्यूम का यार ये मांगा था, ओडा ने उसको लिखा था एंड फाइनली उसको तोई वाले एनिमेट करेंगे, ये बात कंफर्म हो चुका है। प्लस मैं एक और बात कहना चाहूँगा, अभी तक वो मांगा ना, वो जितने भी थे वो वॉल्यूम्स, वो इनकम्प्लीट थे, मतलब उस वॉल्यूम के अंदर तो चलो वो एक स्टोरी तो ख़त्म हो गई थी, बट यार वो स्टोरी आगे कंटिन्यू हो सकती थी लाइक रियोमा वाली, बिकॉज रियोमा एक जर्नी में निकला था, वो आगे क्या क्या होता वो नहीं दिखाया, फिर वो मॉन्क वाला भी था, फिर एक और जो बंदा था उसका भी था, यार ये सारे ना कंटिन्यू हो सकते थे और मैं सच में चाहता था कि वो कंटिन्यू हो, बट अनफॉर्चुनेटली वन पीस ही ख़त्म नहीं हुआ तो वो कैसे ख़त्म होगा। तो ये सारी चीज़ें थी, अब फाइनली यार तो ये एनिमेशन उनके ऊपर भी ध्यान दे रहा है और उनको भी एनिमेट करने वाला है, और अगर वो तो ये एनिमेशन एनिमेट करने के बाद और वो सुपर हिट निकलता है वन पीस की तरह, लोग जो उसको भी प्यार देते हैं, तो उसको भी आगे हो सकता है कंटिन्यू किया जाए। एंड मैं पर्सनली चाहता हूँ रियोमा की कवर स्टोरी को कंटिन्यू करें, बिकॉज तुम सबको पता है ही स्वॉर्ड गॉड। चलो अब थोड़ा बात करते हैं वन पीस के रूल करने की, बिकॉज यार ऑब्वियसली इस पर बात किए बिना ये वीडियो इनकम्प्लीट है। वन पीस में गियर 5 का हाइप तब से जब वो मांगा में आ गया था एंड उसके बाद फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे कि कब एनिमे में आएगा, और फिर भाई वन पीस का लाइव एक्शन भी आ रहा है जिस पर मैं अलग वीडियो बना के बात करूंगा, वो मैंने कह दिया है तो उसको हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते। लेकिन वन पीस का एनिमे जिस तरह से हाइप में है, मुझे पता है दूसरे भी मांगा सीरीज आ रहे हैं, जो मसासी किशिमोटो है वो भी वापस आ चुके हैं एंड बोरुटो के साथ साथ मिनाटो का भी अलग से एक स्टोरी चल रहा है और वो भी हाइप में है। टीटे कुबो भी ब्लीच के साथ रिटर्न कर चुके हैं एंड देखो ब्लीच वाला वीडियो भी तुमको मिलेगा और वो भी हाइप में है। अरे हाँ, हम लोग जुजुत्सु काइजन को कैसे भूल सकते हैं, उसका भी सीजन 2 है, वो भी कमाल का चल रहा है जहाँ तक मैंने सुना है। लेकिन वन पीस का उनके आगे बहुत ही मतलब हद लेवल हाइप चल रहा है, बिकॉज वन पीस में लूफी का गियर 5 आने वाला है एंड इस हाइप से तुम समझ सकते हो अभी तक आया नहीं है लेकिन फिर भी लोग बात कर रहे हैं। हर कोई बंदा तुमको एनिमे कम्युनिटी में कोई ना कोई तुमको मिल ही जाएगा जो इस बारे में बात कर रहा होगा, जिसने वन पीस नहीं भी देखा उसके कानों तक भी खबर पहुंच गया होगा कि लूफी का कोई ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, नीका आने वाला है, ये आने वाला वो आने वाला है, उसके कान तक भी पहुंच गया होगा। अगर तुम्हारे दोस्त एनिमे वॉचर्स है उनके कानों तक भी पहुंच गया होगा और अगर किसी ने वन पीस देखा होगा तो वो इसी पे बात कर रहा होगा, बिकॉज सबको पता है वन पीस इस साल रूल करेगा। एंड जब वो रूल करेगा ना, मुझे याद आता है आज से 2 साल पहले मैं एक बात कहता था जब मैं नया नया था यूट्यूब पे, वन पीस अभी तक अपने प्राइम में नहीं गया। हाँ, उसने सालों से रूल किया एनिमे कम्युनिटी में, मांगा कम्युनिटी में भी किया है, लेकिन अभी तक अपना प्राइम नहीं दिखा है। जब ये अपने प्राइम में जाएगा ना
उस वक्त पता चलेगा कि वन पीस का प्राइम क्या होता है। बिकॉज दूसरे जो सीरीज होते थे ना, कुछ सीरीज ऐसे थे जो लोग अपने प्राइम में जाते थे एंड उसके बाद उनका हाइप वन पीस के उस लेवल तक पहुंच पाता था, लेकिन वन पीस कभी अपने प्राइम में गया नहीं। बट जब वन पीस प्राइम में जाएगा ना, तब पता चलेगा फैंस को कि आखिर वन पीस का लेवल किस जगह पे, उसके फैंस ने उसको किस जगह पे पहुंचा रखा है कि कोई दूसरे मांगा की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। एंड वो तुमको ना इस साल देखने को मिलेगा, बिकॉज एनिमे फाड़ रहा है एंड मांगा वो तो और ज्यादा गंदा फाड़ रहा है। उसमें क्या नहीं चल रहा भाई, इस साल जो ओडा ने जो जो चीजें रिवील किया ना, वो शायद ही और किसी साल में उन्होंने किया होगा भाई। पूरा रेवरी से लेके सब कुछ रिवील कर दिया, फैंक्स का पावर दिखा दिया, गार्प का पावर दिखा दिया, एंड लेटेस्ट चैप्टर में तो क्या ही बोलूँ यार, कूबी को तक नहीं छोड़ा। सब ओडा इसी साल करने वाला है और ऊपर से अभी एग हेड बचा हुआ है, तो इतनी सारी चीजें इसी साल आने वाली है और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर से और भी कांड चालू हो जाएगा एनमे। हाँ, अपना स्टोरी बिल्डअप करेगा, बिकॉज एग हेड आइलैंड आर्क अगर स्टार्ट होता है तो उसमें शुरू में हमेशा की तरह आर्क स्टार्ट होता है तो स्टोरी बिल्डअप करता है, बट मांगा वहीं पे आग लगा रहा होगा। तो तुम मुझे बताओ कमेंट में कि तुम्हें क्या लगता है, क्या वन पीस इस साल रूल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मुझे तो पूरा 100% लगता है कि इस साल वन पीस ऐसा रूल करेगी ना, कोई दूसरे मांगा या एनिमे के बारे में बात नहीं होने वाला। हाँ, वो सब भी अच्छे अच्छे मांगा है, बट जितना बात वन पीस के बारे में होगा उतना किसी और सीरीज के बारे में बात नहीं होगा। प्लस इंडिया में इसका फैन बेस बहुत तगड़ा होने वाला है जहां तक फील आ रहा है। और सोच लो यार, अगर वन पीस का लाइव एक्शन सुपर हिट हो गया, फैंस ने प्यार दिया, सबको पसंद आया ना, आने वाले टाइम पे वर्ल्ड का तो भाई अलग ही है। इंडिया में भी वन पीस का फैन बेस ऐसा बनेगा लाइक एक टाइम पे जैसे मार्वल का फैन बेस हुआ करता था। चलो यही सब था यार बात करने के लिए, और तुम सब कमेंट बॉक्स में जैसा मैंने पहले बोला मुझे बताना मत भूलना, तुम्हें क्या लगता है इस साल वन पीस क्या करेगी, क्या क्या मचने वाला है। मैंने तो सारी चीज़ें बता दी और मुझे क्या लगता है वो सारे थॉट्स शेयर कर दिए। तो हाँ, आज के वीडियो में बस इतना ही, और हाँ, लाइव एक्शन के ऊपर भी काम चलेगा तो लाइव एक्शन वाले वीडियो का वेट करो। प्लस अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक मारना मत भूलना, और हाँ यार, वन पीस के वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। प्लस मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। तो यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।